गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट कर दिया था और उसका अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट पढ़ लिया था। आज मैं उसी क्रम में आगे आपको बता रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए मैं वापस रिवाइज भी करवाऊंगा आपको पूरे टेंसेस को। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो चल रहा होता है काम अभी जो बोला जा रहा है उस समय अगर काम जारी रहता है तो वहां कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। पहले तो आप आराम से ये सोचिएगा कि टेंस का नाम लेते हैं उसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है सबको पता है, इज आर एम आती है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है पास्ट फॉर्म में आई एन जी यूज होती है। अब अपन पढ़ रहे हैं इसका नेगेटिव। सेकंड वाला स्टार्ट हो गया था अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, क्या बोलते हैं इनको अपन? नकारात्मक वाक्य। तो देखिए इसमें क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में पहला स्थान सब्जेक्ट का ही होता है कर्ता, और कर्ता कौन होता है? डूयर होता है। कर्ता कौन होता है? जो काम करता है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे मैं अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? सब्जेक्ट हूं, और मेरा वर्क क्या हुआ? पढ़ाना हुआ। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? डूयर, कर्ता। और कर्ता कौन होता है? या तो कोई संज्ञा होती है या सर्वनाम होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, या फिर कोई नाउन जैसा, नाउन इक्विवेलेंट कोई वर्ड होगा, नाउन जैसा कोई शब्द होगा। सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें? इज आर एम। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएंगे लास्ट में। ठीक है, आप सबको पता है कि जब सब्जेक्ट जो डूयर होता है अगर वो सिंगुलर होता है तो उसके साथ में कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर के साथ में कौन सी वर्ब आएगी? इज आएगी। इज सिंगुलर है, और मैंने आपको बताया था वो वर्ब जिसके एंड में एस आता है वो वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या आएगा? आर आएगा, और ये सब्जेक्ट अगर आई होगा तो क्या आएगा? एम आएगा। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें यहां पर क्या जोड़ना पड़ेगा अपन को? नॉट जोड़ना पड़ेगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ये आप जरूर ध्यान रखें। ये तो अपना हुआ फॉर्म। ठीक है, अब अपन सेंटेंस इसका एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस में जैसे आज वह स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आज से कोई उस फर्क नहीं पड़ेगा अपना, टुडे टुडे बोल देंगे अपन इसको, पहले लिख देंगे कि अब ही सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। टुडे ही इज नहीं आ रहा है इसलिए क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, नॉट गोइंग टू स्कूल। जाने के लिए क्या लगाते हैं अपन? टू लगाते हैं, तो टू के साथ स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है, नाउन नहीं। जैसे मैं इन दिनों घर के बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं इन दिनों घर के बाहर नहीं जा रहा हूं, तो क्या बनाएंगे? आई एम, आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू आउट इन दीज डेज, इन दीज डेज। क्योंकि मानो ऐसा वाक्य बनाए इसके आंसर में, क्योंकि कोरोना बीमारी तेजी से फैल रही है,
जब कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, तो क्लॉज का क्या लगा देंगे अपन यहां पर, बिकॉज कोरोना डिजीज इज इंक्रीजिंग रेपिडली, तेजी से फैल रही है, तो अपन ऐसा बना देंगे इस सेंटेंस को, अपन ऐसा बना देंगे क्योंकि कोरोना बीमारी तेजी से फैल रही, बिकॉज कोरोना डिजीज इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ये हुआ अपना नेगेटिव सेंटेंस। तो नोट लगाते हैं, नेगेटिव बन जाएगा, बहुत सारे सेंटेंस अपन बना सकते हैं। नेक्स्ट अपना थर्ड आता है, थर्ड सेंटेंस आता है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इसके बारे में अपन ने पहले भी बात कर ली है कि ये देखो, इसमें टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब एक तो इसमें पहला जो टाइप है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, देखिए वो उनमें क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास में, इज आर और एम है, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अदर वर्ड्स आ जाएंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। अगर मान लीजिए डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस होता है, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले दोनों को अपन एक साथ पढ़ेंगे, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका ये फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा इसमें, फिर उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वही इज आर और एम, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, दोनों का एक एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए बच्चा क्यों रो रहा है, या फ्रेज लेते हैं, क्या वह रो रहा है, काम चल रहा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। अब इसका आंसर तो या तो यस होगा या नो होगा, तो वह आया है ना, तो यहां वाट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ही, अब ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, पहले तीनों में से इज आ जाएगा, इज ही वीपिंग, आईएनजी लग जाएगा, क्या वह रो रहा है। अब इसी को अगर अपन डब्ल्यू एच वर्ड में लेके जाएंगे, वह क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, तो क्या बन जाएगा, वाई इज ही वीपिंग, वाई इज ही वीपिंग। तो ये इसका क्या का, तो इससे क्या का सेंस आ रहा है, और यहां क्यों का सेंस किस में आएगा, वाई में, बाकी फॉर्मेट कैसे रह जाता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब वाला ही रह जाता है। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड वाले हेल्पिंग वर्ब वाले आराम समझिए आप, जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, डूडज वाला किया था, वहां ताहे आता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वहां डूडज आ रहा था, यहाँ क्या गया, इजारे में आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स आ गया। डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होगा, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। ठीक है ना, इसका आंसर, इसका आंसर यस या नो होता है, इसका आंसर क्या होता है, यस या नो होता है, और इसका आंसर क्या होता है, कोई फ्रेज या, मैंने पहले भी बताया आपको, कोई फ्रेज या क्लोज होगा। अगर अपन इसका आंसर लिखेंगे क्यों रो रहा है, तो कारण बताएंगे। ठीक है, और एक चीज आप जरूर नोट कर लीजिए, जब अपन किसी भी सेंटेंस का, जब कभी हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है। क्या बनता है, नोट कीजिएगा, जब भी किसी सेंटेंस का, जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो उसका सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
आंसर होगा वो अफर्मेटिव होगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए भी अपन ने जैसे कोई सेंटेंस लिखा, मैंने पिछला सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, मैं टेंथ क्लास के बच्चों के लिए और क्या परसों मैंने एक पीडीएफ डाली थी, उसमें बहुत सारे करेक्ट आंसर दिए बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है। देखिए जैसे वह क्यों खेल रहा है, मान लीजिए ऐसा सेंटेंस बना दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया किससे, क्यों से हो गया। अब जब अपन इसकी इंग्लिश बनाएंगे, वाई इज ही प्लेइंग, क्यों खेल रहा है वो, ऐसा बनाया अपन। अब इसका आंसर अपन यस या नो नहीं दे सकते, लेकिन इसका आंसर देंगे तो सेंटेंस, ये क्वेश्चन है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव में भी कौन सा है, डबल एच वर्ड वाला है। इसका आंसर देंगे तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, आंसर में सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। अब देखो ही सब्जेक्ट है और इज आ गया, तो ये सेंटेंस कौन सा पैटर्न जा रहा है, अफर्मेटिव है, आंसर तो दे रहे अपन, लेकिन ये कौन सा सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव होता है, ठीक है। ही इज प्लेइंग, अब इसको अपन आगे आंसर बिकॉज और की जो भी रीजन होगा वो बता देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता, इज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है, तो इसका आंसर अपन यस या नो दे। देखो जैसे मान लीजिए यस ही इज प्लेइंग, ऐसा देंगे, ये तो सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ, नो से देंगे तो नो ही इज नॉट प्लेइंग, ठीक है। आजकल देखो शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको, कई बार अपन आर को आर के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, आरंट, ऐसा बुक्स में लिखा था, क्या हो जाता है, आरंट। जैसे इज का इसके साथ नोट लगाते हैं शॉर्ट में तो क्या हो जाता है, इजंट हो जाता है, ठीक है। और एम का एम के साथ नहीं होता, ये ध्यान रखना, एम का भी क्या होता है, आरंट ही होता है, ठीक है। जैसे कई बार किताबों में क्या हो जाता है, विल नॉट का वॉन्ट हो जाता है, ये कॉन्ट्रेक्शन है, शॉर्ट कर देते हैं। और जैसे सेल नोट आता है क्या जाता है, सेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये कई बार ऐसा कर देते हैं, और भी देखिए जिसे मैं बताऊं आपको, जैसे कई बार ऐसा लिखा हुआ है बुक्स में, ये क्या है, तो ये आई सेल होता है या फिर आई विल होता है। जैसे कई बार ऐसा लिखा होता है तो ये क्या होता है, आई हैड होता है, ठीक है। कई बार भी हो जाता है, तो ये जैसे जैसे शॉर्ट फॉर्म बनी हो उनका भी आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट सेंटेंस है अपना इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस अपन बना रहे, तब उसमें क्या होगा, नोट भी आता है और साथ में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी आता है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं अपन, बहुत इजी है, फिर एक साथ भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब वही चल रही है, इज आर और एम, फिर उसके बाद क्या जाएगा, नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल अपन लिखे बॉक्स में आप कर दीजिएगा, क्या वे नदी में नहीं नहा रहे हैं, नहा रहे हैं। देखो पहले तो अपन को कर्ता को पहचानना है, इस सब्जेक्ट कौन है, तो ये दे सब्जेक्ट हो गया इसमें, तो दे बहुवचन है तो पहले क्या जाएगा, अब नहीं आ रहा है तो क्या जाएगा, नॉट, दे आर नॉट बाथिंग इन द रिवर, ऐसा अपन ने लिख दिया।
और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो डबल एच वर्ड हो गया अपना, ये हो गया। तो ये सेंटेंस थे आप देखो यूजेस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूजेस अपन देख लेते हैं। यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस फिर मैं कंबाइंड भी आपको सिंपल प्रेजेंट सिंपल के कंटिन्यूस के एग्जांपल्स दूंगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अपन कह सकते हैं कि जब वर्क इन प्रोग्रेस हो, क्या हो, वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर क्या दिखाया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आई एम टीचिंग नाउ, ठीक है, आई एम टीचिंग नाउ। जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। जब सब्जेक्ट फिक्स नहीं होना तब इसका उपयोग करते हैं। ये क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं इसको, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट ऐसा हम कह सकते हैं। तो इट सब्जेक्ट है यहां पर, रेन सब्जेक्ट है, द रेन इज फॉलिंग, ऐसा नहीं, इट इज रेनिंग। नेक्स्ट है कि जिन वर्ब्स के द्वारा चेंज दिखाया जाता है, परिवर्तन दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे बिकम वर्ब है, ग्रो वर्ब है, टर्न वर्ब है, गेट वर्ब है, ये जो कुछ वर्ब है, बिकम, ग्रो, गेट, तो इनमें क्या है कि एक चेंज अपन को नजर आता है कंटिन्यूसली। तो बिकम, ग्रो, टर्न, गेट आदि के साथ अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे इट इज बिकमिंग डार्क या इट इज गेटिंग डार्क, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज ग्रोविंग डार्क, ऐसे बोल सकते हैं, इट इज ग्रोविंग डार्क, अंधेरा बढ़ रहा है। तो इन वर्ब के साथ में अपन कौन सा टेंस यूज करते हैं, चारों वर्ब याद रखना, बिकम, ग्रो, टर्न, गेट, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना थर्ड रूल है वो ये है कि अगर यदि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लुक लिसन आदि वर्ड आ जाते हैं,